लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ थाने में चोरों के हौसले बुलंद है। एक रात में 3 दुकानों में चोरी हुई। मधुशाला देसी शराब की दुकान में चोरों ने लगभग 5,000 नगद और 3 पेटी शराब चोरी की। क्या नाम आपका? हमारा नाम दिनेश गुप्ता। ये आपकी भट्टी कहाँ पर है? रेलवे भूतनाथ फाटक गोला। क्या घटना हुई है? यहाँ से रात में ताला तोड़ के चोरी हुई। कुंडी काट के ताला पड़े हैं, जहाँ के तहाँ कुंडी काट दी है। 5 पेटी दारू ले गए हैं, 5,000 रुपये नगद ले गए हैं। एक इन्वेटर गया है, बैटरा गया है, और एक यहाँ बगल में होटल है राजेश का, उसके यहाँ चोरी हुई है। और एक आगे खोखा है बागड़ का, उसके यहाँ चोरी हुई है। 3 जगह ताले टूटे हैं। एक ही आज ही रात में जी पुलिस आई थी यहाँ, बाकी गए हैं सेठ जी हमारे मालिक। फिर चोरों ने रस्तोगी जी के होटल में लगभग 5 से 7,000 रुपए की चोरी की। रात में मैं तो 10 बजे दुकान बंद करके गया, और रात में मेरी दुकान बंद करके गया तो सुबह सुबह पता चला तुम्हारी वहाँ चोरी हो गई। तो सामने पान वाली दुकान है, वो वाले बताने गए मेरे घर पे तुम्हारे सामान वामान सब बांट। तो हम पहले तो सो रहे थे, तो हम सोचा क्या बात कैसे, तो कहें चलो तो दुकान, तो दुकान है तो देखेंगे। सब काउंटर का देखो, सब बाहर पड़ी थी, वो ना होगा ना मेरे सब पड़े थे। और एक मेरे बेसन का झोला, एक रिफाइंड का पीपा और एक घोना लेके गए, और जो गले में रुपये थे 25 नगद रखे हुए, वो और रेजगारी 180 रुपये की। क्या आपने पुलिस को इस बात की तहरीर दी? हाँ दी है। क्या कार्रवाई? तब भी चोरों का पेट नहीं भरा तो विकलांग के किराने की दुकान का ताला तोड़कर हजारों की चोरी की। इतना था दुकान का ताला टूटा है, सामान गया, सब 500 रुपया रहा, वो सब चला गया। 10 से लगा के 20,000 रुपये। कुतवाल ने इंस्पेक्टर ने कहा कि अभी देखेंगे रुपया के। पीड़ितों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर सूचित किया, लेकिन अब तक पीड़ितों का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जब पत्रकारों ने पुलिस से घटना की जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें घटना की जानकारी देने से मना किया गया है।